गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो दोस्तों, मैं आज लेक्चर सीरीज ऑफ 10th लेके आया हूँ। जितने भी लेक्चर्स हो गए थे उसके बाद में कुछ जो पॉइंट्स रियली इंपॉर्टेंट है जो मैं देख रहा था लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों के, तो उसमें 2 या 3 नंबर में कुछ पूछा हुआ है, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन कस्कटा, कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर पूछा हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जैसे मान लीजिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो यहाँ नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो ये 2-3 लाइन में दे रखी है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर, इसलिए मैंने मेंशन किया है पेज नंबर, तो पेज नंबर 97 के लास्ट लाइंस के आसपास में और 98 के स्टार्टिंग के, ये दोनों पेजेस को मैं आज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप जो अगर लाइन बाय लाइन कभी भी रीड करें एनसीईआरटी को क्लास 10th की, तो आपको कोई दिक्कत ना आए और जो क्वेश्चंस भी पूछे जाए वो आसानी से आप क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, कि जैसे मैं जानता हूं आप जानते हैं कि जनरली वाटर इज टेकन आउट बाय द प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। ओके, जाइलम वेसल्स तो होती ही है, लेकिन बेसिकली प्लांट का कौन सा हिस्सा नीचे होता है, तो याद रखिएगा रूट। तो रूट ही वो सोर्स है जहां से प्लांट के अंदर में सारे मिनरल आयन न्यूट्रिएंट्स क्या किए जाते हैं बेटा, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया है कि प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब या टेक करता है वाटर फ्रॉम द रूट्स। उसी तरह से प्लांट्स को जो अदर मिनरल एंड न्यूट्रिशन चाहिए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जो भी जरूरी एलिमेंट्स होते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो मदद करते हैं प्लांट्स के, वो कहां से लेगा, बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स। सो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स यूजुअली टेक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉयल बाय द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स की मदद से ये सारी एलिमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द व्हाट, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, दे आर टेकन बाय द रूट्स। एंड अनदर थिंग जो एनसीईआरटी नेक्स्ट सेक्शन में मेंशन करती है कि नाइट्रोजन 2 फॉर्म में, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन 2 फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है इन द प्लांट्स। एक होगा बेटा इनऑर्गेनिक फॉर्म और एक होता है ऑर्गेनिक फॉर्म। अब जरा डिफरेंस समझ लीजिए ऑर्गेनिक फॉर्म में और इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है, उसको पहले देखेंगे। तो एक और लाइन दे रखी है कि नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपाउंड और एलिमेंट। तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपाउंड एंड एलिमेंट है। बेसिकली अगर देखोगे तो बेटा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप देखोगे जो यहां मैंने ड्रा किया हुआ है, सी सी डबल ओ एच यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीन ग्रुप, एच और आर, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब सुनिएगा, जब 3 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, 3 अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। कितना प्रोटीन बनेगा, एक प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जब 3 अमाइनो एसिड, AA का मतलब है अमाइनो एसिड, लिख लीजिएगा, जब 3 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। तो जब आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे प्रोटीन का, इसमें क्या बेटा NH2 और N है क्या है बेसिकली, तो N बेसिकली है क्या जी, अरे है क्या जी, नाइट्रोजन। यानी जो नाइट्रोजन है एक एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, प्रोटीन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो होता है बेसिकली बनता है छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के मिलने की वजह से। और अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो बेसिकली उसमें क्या बेटा जी, नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और ये रखा है एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स। तो ये अदर कंपाउंड्स में क्या होते हैं, तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है, नाइट्रोजन एसेंशियल है, नाइट्रोजन एसेंशियल है फॉर अदर कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे 11th में, तो आपको पढ़ाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। और जब आप स्ट्रक्चर देखोगे डीएनए और आरएनए का, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, एक होगी बीच में होता है बेटा ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। यहां पे जो इसके फर्स्ट वाले कार्बन पे 1 2 3 4 यहां 5 से जुड़ा होता है, तो जो फर्स्ट वाला
कार्बन दिख रहा होगा यहाँ पे, इससे जुड़ा होता है बेटा नाइट्रोजन बेस। नाम में छुपा हुआ नाइट्रोजन बेस, यानी कि किस चीज से बना होगा, नाइट्रोजन से, और इधर में जुड़ा होता है बेटा फोस्फेट। बेसिकली जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जब आप पढ़ेंगे डीएनए और नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, तो ये सारे नाइट्रोजन बेसेस हैं, यानी ये नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। और चूंकि नाइट्रोजन बेस, पेंटोज सुगर और फोस्फेट, इनको हम मिला के बोलते हैं बेटा जी न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोटाइड। सुनिएगा, अब जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर में क्या क्या है, पेंटोज सुगर, फिर क्या है नाइट्रोजन बेस, फिर ये पी छोटा सा देख रहा है, पी मतलब होता है बेटा फोस्फेट। क्या होता है फोस्फेट, ये हायर क्लासेस में आएंगे, अभी इतना बहुत नहीं होना। सुन लीजिए बस कि न्यूक्लिक एसिड, अब जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक लॉन्ग पॉलीमर होता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड, 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 जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलता है तो बनता है बेटा जी न्यूक्लिक एसिड। क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जब आप देख रहे हो बहुत सारे, मैंने पहले बता दिया कि ये पेंटोज सुगर, नाइट्रोजन बेस, फोस्फेट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, जो एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इन सब का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बेसिकली नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन प्रोटीन को भी बनाता है और नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में भी क्या करेगा, मदद करेगा। आप ये ना भी याद रखो, आपके लेवल का उतना नहीं है, लेकिन आप इतना याद रख लीजिएगा कि नाइट्रोजन प्रोटीन की सिंथेसिस में भी मदद करता है और नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड की भी सिंथेसिस में मदद करता है। न्यूक्लिक एसिड में आता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए दैट इज राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया आपके उसके लिए कि बेसिकली एक होती है पेंटोज सुगर, फिर होता है नाइट्रोजन बेस, और क्या होता है फोस्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं, जब एक दो तीन इसी तरह से बहुत सारे, तो क्या बनता है बेटा जी न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। तो जब आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोटाइड में क्या है, नाइट्रोजन बेस है कि नहीं है, तो इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होगा, नाइट्रोजन बेसिस। सो नाइट्रोजन हेल्पफुल करता है, नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला था दैट इज सॉरी दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला था आप लोगों को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके सुनिएगा, देखिए ऑर्गेनिक किसको बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, सुन लीजिए बड़ा जरूरी है। देखिए कोई भी कंपाउंड हो जिसके अंदर में कार्बन प्रेजेंट होगा, सो ये बस ध्यान रखिए, एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, जिसके अंदर में कार्बन होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये फॉर्मूला है किसका बेटा, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में कार्बन है कि नहीं है, बोलेंगे सर है, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, जिसके अंदर में कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होगा। और उल्टा ये ले लीजिए,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच डज नॉट हैव कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं होगा, कॉल्ड एज उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल की बात कर लो, अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लीजिए, NH3। यहां कहीं कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जहां कार्बन वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां कार्बन नहीं होगा वो होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं नाइट्रोजन, जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, नाइट्रोजन क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन टेकन अप होता है, यानी कि नाइट्रोजन लिया जाता है फ्रॉम द या बाय द हेल्प ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। इनऑर्गेनिक का मतलब आप समझ गए, यानी इसमें नाइट्रोजन सॉरी कार्बन, कार्बन कार्बन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सर बोलेंगे, सर कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक होगा, कार्बन नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक होगा। तो यही कह रहा है, नाइट्रोजन जो होगा इज टेकन अप बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। किस फॉर्म में लिया जाता है प्लांट्स में? किस फॉर्म में लिया जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स? दैट इज द NO3- के फॉर्म में, या नाइट्राइड्स के फॉर्म में, NO2- के फॉर्म में। तो जैसे ये प्लांट है, प्लांट की जो रूट है, यहां से ये किस फॉर्म में? इनऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाएगा, NO3- में, नहीं तो NO2-, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, और ये होता है नाइट्राइड। यानी बेटा जी, इन दोनों में अगर आप देखोगे कहीं पे कार्बन है नहीं है, तो ये दोनों कौन से एलिमेंट हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी नाइट्रोजन किस फॉर्म में? N2 के फॉर्म में नहीं जाता है प्लांट्स के अंदर में, NO2- या NO3- के फॉर्म में लिया जाता है, जो कि एक इनऑर्गेनिक फॉर्म है। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो NCERT में मेंशन किया हुआ है लेकिन उसका एग्जांपल नहीं दे रखा है, यानी बस बोला हुआ है कि नाइट्रोजन कैन आल्सो बी टेकन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको आप लिखिएगा, मैं समझाता हूं इस पॉइंट को। नाइट्रोजन इज आल्सो टेकन अप एज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का नाम आते ही आप बोलोगे कि सर इसमें तो कार्बन होगा, कार्बन होगा तभी तो ऑर्गेनिक होगा। सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो टेकन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड by bacteria, जो prepared किया जाता है bacteria, for example rhizobium, कभी आपने सुना होगा, lower classes में पढ़ा होगा rhizobium, frankia, okay, azotobacter। तो ये सारी bacteria जो होती हैं basically ये atmospheric nitrogen को fix करती हैं, किसके अंदर में? plants के अंदर में। from एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके, यानी कि ये जो बैक्टीरिया मैंने लिखी है राइजोबियम और फ्रेंकिया, ये दोनों क्या है बेटा जी? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये तो हम पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, जो यहाँ पढ़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नाइट्रोजन इज ऑल्सो टेकन अप एज एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले तो हमने पढ़ लिया कि इनऑर्गेनिक के फॉर्म में NO2- और N3- इन नाइट्रेट और नाइट्राइड्स के माध्यम से लिया जाता है। लेकिन जब कभी भी आप पढ़ोगे लेग्यूम क्रॉप्स की, तो उसमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, उस रूट्स के अंदर में बेसिकली कुछ बैक्टीरिया एग्जिस्ट करती हैं जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती हैं,
ऑर्गेनिक फॉर्म में, किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। सो नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी टेकन एज ऑर्गेनिक फॉर्म, या इट एज इट कैन ऑल्सो बी टेकन इन द ऑर्गेनिक फॉर्म फ्रॉम द प्लांट्स। सो दिस ऑर्गेनिक फॉर्म इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। यानी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है, बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम फ्रेंकिया, जो बेसिकली क्या करती है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं। तो ऐसे कौन से नाइट्रोजन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह यूज किया जाता है? सो नाइट्रोजन विच इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से बेटा, अमाइड्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? अमाइड्स के नाम से। और अमाइड अगर आप पढ़ोगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बताए जाते हैं। तो कोई भी कंपाउंड हो जिसके अंदर में ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू हो, क्या बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू अगर है तो वो कहलाता है बेटा अमाइड्स। क्या कहलाएगा? अमाइड्स। और ये ऑर्गेनिक फॉर्म है किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन विच इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अमाइड्स, लिख लीजिएगा। तो नाइट्रोजन का जो ऑर्गेनिक फॉर्म है वो कहलाता है बेटा अमाइड्स। क्या कहलाएगा? अमाइड्स। और अमाइड्स किसको कहते हैं, जिसके अंदर में सी डबल बॉन्ड हो, एनएच2 फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइड्स। टू बेसिक अमाइड्स के बारे में हमको लोगों को जानकारी है, और जो एक्चुअली आपके प्लांट्स में क्या होता है बेटा, फिक्स होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो दो अमाइड्स हैं, टू अमाइड्स, तो दो अमाइड्स हैं। इन दोनों अमाइड्स को हम लोग देख लेते हैं। जो पहला अमाइड है उसको हम लोग बोलते हैं एस्पराजीन, ठीक है। तो अमाइड के ये दोनों प्रकार हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ अमाइड। पहला जो होता है एस्पराजीन, तो आप स्ट्रक्चर देखोगे खुद ही बोल दोगे कि सर या इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन भी होना चाहिए तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो देखिए एस्पराजीन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर होता है सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एन एच टू एच, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड एन एच टू। देखिए यही तो बोला था, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू अगर कहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, अमाइड। क्या बोलेंगे? अमाइड। और देखिए अमाइड के दोनों प्रकार हैं, एस्पराजीन और ग्लूटामिन। जब आप एस्पराजीन का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें कार्बन भी है, कार्बन भी है, कार्बन भी है, कार्बन भी है, बहुत सारे कार्बन है। तो बेटा ये एस्पराजीन कौन सा कंपाउंड होगा बताइएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उसी तरह से हम ग्लूटामिन को देख लेते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन का जो ऑर्गेनिक फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाइड्स। अमाइड्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर में ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो, सी डबल बॉन्ड हो, NH2। ओके, स्ट्रक्चर देखा, एस्पराजीन, दो प्रकार के अमाइड्स होते हैं बेसिकली, एस्पराजीन और ग्लूटामिन। तो एस्पराजीन का स्ट्रक्चर दिखा दिया, आप देख रहे हो कि इट कैन ऑल्सो कंटेनिंग कार्बन, तो ये क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो दूसरा है वो है बेटा जी ग्लूटामिन, नीचे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये भी एक प्रकार का अमाइड ही है जिसको हमने बोला है ग्लूटामिन। इसका भी स्ट्रक्चर देखोगे तो पहले मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो उसको इरेज कर दीजिए। फिर देखिए इसका स्ट्रक्चर, सी सी डबल बॉन्ड ओ एच फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एन एच टू एमीन ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन। अब बस आपको एक क्या करना है, यहाँ पे केवल एक सी एच टू था, अब दो कर देना है, बस सेम वही सारा चीज वही रहेगा, सी एच टू सी एच टू, एक बढ़ा दिया, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, यानी कि ये अमाइड है। सो याद रखिएगा, नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, बिकॉज दिस ऑर्गेनिक फॉर्म इज बेसिकली
formed by the help of what? Nitrogen fixing bacteria, for example rhizobium, frankia, azotobacter, कोई भी होंगे उनके वजह से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है. किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक फॉर्म में. और ऑर्गेनिक फॉर्म जो होता है नाइट्रोजन का उसको हम लोग बोलते हैं अमाइड्स. दो प्रकार के अमाइड है, एस्पराजीन और ग्लूटामिन. एस्पराजीन में आप देख ही रहे हो जहां पे मैंने पहले बता दिया जिसमें कार्बन आए वो क्या होगा? ऑर्गेनिक. तो एस्पराजीन एक ऑर्गेनिक फॉर्म है, इसके अंदर में नाइट्रोजन भी है. सो नाइट्रोजन ग्लूटामिन नाइट्रोजन का ये क्या होगा बेटा? ऑर्गेनिक फॉर्म है. नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलिए अब जो नेक्स्ट 98 नंबर आप पेज पे देखोगे तो वो दे रखा है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दे रखा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दे रखा है. तो हमने पहले भी पढ़ लिया हेट्रो मींस क्या होता है? अदर्स. और बेटा जी ट्रॉफिक मींस होता है न्यूट्रिशन. यानी इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं हेट्रोज, हेट्रोज का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफिक का मतलब होता है बेटा जी न्यूट्रिशन. ध्यान रखिएगा. सो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड्स अपॉन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन. तो उसी को क्या बोलेंगे? यानी यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म या ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होगा जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, डिपेंड करेगा किसी और पे, उसी को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो लिखिएगा इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट depends upon another organism for its food or nutrition. called as उसको क्या बोलेंगे? heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नोट डाउन कर लेंगे. सो जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा लेकिन वो डिपेंड करेगा अदर ऑर्गेनिज्म पे, उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नोट डाउन करेंगे. चलिए तो ये बातें समझ में आ गई हैं. अब जो दे रखा, सॉरी देखिए इसके बाद जो आप पढ़ेंगे तो वहां पे दे रखा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही दे रखा है कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से अवेयर होता है. अगर मैं बात करूं, मैं एक ह्यूमन बींग हूं तो मेरे अंदर में गिल्स नहीं है, तो जब मुझे छोड़ दिया जाएगा तो पानी में मैं एक से एक डेढ़ मिनट तक जिंदा रह सकता हूँ. लेकिन अगर मुझे पानी के अंदर में ही रहना पड़ेगा तो बेटा उसकी एडाप्टेशन है कि वहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? गिल्स होना चाहिए. बिना गिल्स के आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगी. उसी तरह से बेटा जी अगर फिशेस की बात कर ले, फिशेस बेसिकली रिस्पायर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गिल्स. ओके जी, यानी सीधी सी बात है कि वो अगर उनको बाहर निकाल लो वाटर से तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे. यानी हर ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से अवेयर होता है और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो बेसिकली जहां पे वो रहता है उसी के आसपास में उसका क्या मौजूद होता है बेटा? न्यूट्रिशन. क्या मौजूद होता है? न्यूट्रिशन. जनरली वो अपने आसपास में, ऑब्वियसली एक बात आप बताइए, सोचिए मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, अगर मुझे
फूड जो है, फूड सोर्स मेरे से 400 किलोमीटर दूर है, तो बेटा जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो वहीं स्टेबलाइज करते हैं, रहते हैं, जहां पर उनका क्या होगा बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ फूड ज्यादा हो, जहां उनको आसानी से क्या मिल पाए बेटा, फूड मिल जाए। तो एक लाइन दे रखी है, ईच ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। सुनिएगा, हर ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेड, यानी अपने आप को एडॉप्ट करता है, ईच ऑर्गेनिज्म इज एडॉप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, टू इट्स एनवायरमेंट। यानी कि ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के अंदर में अपने आप को एडॉप्ट करता है। सीधी सी बात है, अगर आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जाएंगे तो वहां पे होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि बेटा जी, अगर आप अपने आप को अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्ट नहीं करते हैं तो बेटा आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, सुनिएगा, जैसे अगर मान लो मैं ह्यूमन बींग हूं, मैं अगर गर्मी बर्दाश्त ना कर पाऊँ, जैसे मान लीजिए मैं 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर जाएगा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरी सेल्स डैमेज हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म है जो फ्लेक्सिबल है, ठंडे में भी अडॉप्ट कर ले रहा है, 50-55-60 डिग्री तक भी जाएगा टेम्परेचर अडॉप्ट कर रहा है, यानी बेसिकली जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है उस बंदे के जिसने 50-55 डिग्री तक झेल रखा है, उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते हैं बेटा, अडॉप्ट करते हैं। जैसे इसका एक बेस्ट सा एग्जांपल सुनिएगा, जो मॉस्क्यूटो होते हैं, पहले सिंपल ये जो क्वाइल आता था ना मॉर्टिन का, उससे भग जाते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वहां पे अडॉप्ट किया, अब वो क्वाइल वहां से देता रहता है स्मेल, उससे कोई असर नहीं। फिर उसके बाद रिफिल है यानी कि लिक्विड है, उससे मरने लगे, फिर उन्होंने उसके फ्यूम्स में भी अडॉप्ट किया। अब देखिए आजकल वो आ रहा है जो फर्स्ट कार्ड आता है, उसमें भी वो अपने आप को अडॉप्ट कर, तो धीरे 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 उन्होंने उस एनवायरमेंट में एडॉप्ट किया, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। तो सारे ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म इज एडॉप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में एडॉप्ट है, और जब वो एडॉप्ट है तभी भी सरवाइव कर पाएगा। अगर वो एडॉप्ट नहीं करेगा अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग तो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। यही बात कहना चाहते थे। ओके, अब जो मेन चीजें हैं, जैसे द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट लाइन दे रखा है कि जो न्यूट्रिशन का फॉर्म है यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ही बात कर रहा है, वो डिपेंड करता है किन तीन चीजों पे, किन तीन चीजों पे, पहला तो भाई भैया टाइप ऑफ फूड हो सकता है। जैसे मान लो स्पैरो की बात कर लो, जैसे मान लीजिए आप पैरट की बात कर लो, तो बेसिकली वो फ्रूट्स खाते हैं, आप सीड्स खाते हैं, और किसी और पक्षी की बात कर रहे हो, वल्चर भी एक पक्षी है तो वो बेटा क्या खाता है, मीट खाता है। यानी सबका टाइप्स ऑफ फूड, कोई वेजिटेबल खाता है, कोई कुछ खाता है, तो बेसिकली जो मोड ऑफ या होलोजोइक या हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला तो टाइप ऑफ फूड, कौन कैसा फूड खाता है, फिर दूसरा अगर मान लीजिए मैं वहीं आसपास के ही सोर्सेस पे ही डिपेंड करूंगा, मैं इतनी दूर तो ट्रेवल करके नहीं जाऊंगा ना, वरना मैं मर जाऊंगा क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाएगी। बेटा फूड लूंगा किस लिए, एनर्जी के लिए, दूर जाऊंगा एनर्जी मिलेगी, तब तक राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ फूड क्या होना चाहिए, आसपास के इलाके में होना चाहिए, एनवायरमेंट में जहां आप एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां आसपास में होना चाहिए। तो पहला मैंने बोला कि टाइप ऑफ फूड अलग अलग हो सकते हैं, फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो टेक करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग चीजें लेते हैं, कोई फ्रूट खाता है, कोई वेजिटेबल खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई रूट्स खाता है, कोई कुछ भी खा सकता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी कि फूड अवेलेबल है कि नहीं है आपकी सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, ऑब्वियसली अगर सराउंडिंग में होगा तो आप अच्छे से क्या कर पाओगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका होगा। और तीसरा मोड ऑफ टेकिंग फूड, किस तरह से और कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ले रहा है। तो इन तीनों को लिखिएगा पहले, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जो मैंने बातें कही, पहला है टाइप्स ऑफ फूड,
टाइप्स ऑफ फूड में क्या होगा, कोई वेजिटेबल खाता है, कोई फ्रूट खाता है, कोई ग्रेन खाता है, कोई मीट खाता है, कोई वेजिटेबल खाएगा, कोई मीट खाएगा, कोई फ्रूट खाएगा, ओके, कोई क्या खाएगा, किसी को दाना पसंद है, ग्रेन्स खाएगा। टेक सेकेंड, अगर बात करें दैट इज एवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अगर देखिए जहाँ पे एवेलेबिलिटी ऑफ फूड अच्छी होगी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाएंगे, जहाँ पे फूड एक रिसोर्स है, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो सेकेंड दैट इज द एवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सी दैट इज हाउ इट इज ऑब्टेंड, यानी जो तीसरा है किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को ऑब्टेंड करता है, सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। जैसे अगर बात करें, सुनिएगा, बेसिकली अगर मैं अपनी बात कर लूँ या छोटी सी बात कर लूँ जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर में शार्प कैनाइन होता है, यानी कि जो कैनाइन टीथ होता है बड़ा ही शार्प होता है, किस लिए, ये मॉडिफिकेशन केवल इसलिए होता है ताकि वो मीट को फाड़ के खा सकें। लेकिन अगर बात करेंगे आपके हर्बीवोर एनिमल्स की, तो वहां पे मोलर्स जो होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, जो मोलर्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, तो ग्रास को चुपर चुपर यानी कि ग्राइंड करके खाने का काम करते हैं। तो सुनिएगा, सबका अपना एक मॉडिफिकेशन है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप है, टीथ स्ट्रक्चर उस तरह से है, तो सारे ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि खाना लेने का भी क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है सबका मोड क्या होगा, अलग अलग होगा। सो थर्ड दैट इज हाउ फूड इज टेकन, हाउ फूड इज ऑब्टेंड बाई ऑर्गेनिज्म, किस तरह से फूड ऑब्टेंड करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मान लीजिए सोर्स ऑफ फूड की बात करें, जैसे ग्रास, ग्रास तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकता है ना, तो अगर मान लीजिए काऊ जो होती है वो खाती है ग्रास, समझिए जैसे इसको मैं समझा रहा हूँ, काऊ काऊ खाती है ग्रास, तो ग्रास एक फूड सोर्स है, तो यहाँ फूड सोर्स क्या है बेटा, ये थोड़ी ना कि घास चल के यहां से कल यहाँ दिल्ली में कल मुंबई पहुंच जाएगी, नहीं ना। तो फूड सोर्स इज स्टेशनरी, STATIONARY, यानी कभी कभार फूड सोर्स क्या होता है, स्टेशनरी होता है, फॉर एग्जाम्पल काऊ के केस में। लेकिन अगर बात करें बेटा जी लायन की, तो लायन खाता है डियर को, किसको खाएगा, डियर, तो क्या डियर आसानी से जाकर खड़ा हो जाता है, क्या लो लो खा लो ऐसा करता है क्या, नहीं बेटा जी, आपका जो ये बेसिकली डियर होता है बहुत तेजी से भागता है, मूवेबल होता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तो यहाँ पे डियर क्या है बेटा, फूड सोर्स, यहाँ पे ग्रास जो था फूड सोर्स वो स्टेशनरी था, लेकिन डियर जो होता है इतना आसानी से शेर को पकड़ने नहीं देता है, ये बहुत तेजी से भागता है, तो यहाँ जो डियर जो है ये एक फूड सोर्स है, तो यहाँ फूड सोर्स क्या है बेटा, फूड सोर्स इज मूवेबल, क्या बेटा जी, मूवेबल, क्योंकि लायन का फूड है डियर, काउ का फूड है ग्रास, तो ग्रास ऐसा तो है ना कि एक जगह से चल के दूसरी जगह जाता है, तो वहां पे फूड सोर्स क्या है, स्टेशनरी है। लायन लायन खाता है डियर को, लेकिन तो डियर इतने आसानी से पकड़ में नहीं आता है, तो डियर बहुत तेजी से भागता है, तो बेटा जी फूड सोर्स वहां पे डियर है, फूड सोर्स क्या है, मूवेबल है, जो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भाग के भाग जाए, अपनी पोजीशन को चेंज करके भागेगा, दौड़ेगा, अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि बेटा जी अगर काऊ की बात करें तो उनके अंदर में जो बॉडी काफी बड़ी होती है, तो बेटा जी बड़ी होगी तो वेट ज्यादा होगा, बेसिकली अगर देखोगे तो बेटा वो ज्यादा तेजी से दौड़ नहीं पाएंगी। लेकिन जो बॉडी होती है लायन की, टाइगर की, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन टाइप की बॉडी होती है, और उनके लेग्स इतने ज्यादा डेवलप होते हैं कि वो तेजी से क्या कर सकते हैं बेटा, दौड़ सकते हैं और कैच करके क्या कर सकते हैं, मीट को खा सकते हैं। यानी जैसे भी बात की कि भैया सबका अपना, चाहे काऊ की बात कर ले, चाहे डियर की बात कर, लायन की बात कर ले, सबका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, या किसी भी अपने शिकार को कैच करने का तरीका या उसको खाने का तरीका अलग होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे बेसिकली होगा सर। जैसे काऊ काऊ की बात कर लेते हैं, सुनिएगा, इसको जरा मैं मिटा देता हूं, जो काऊ की बात कर लेते हैं, तो कैसे
उनमें तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए काऊ आसानी से धीरे धीरे जाती है, चलती है, क्योंकि ग्रास मूवेबल नहीं है, ग्रास वहीं पर रहेगी, कहीं भागने वाली नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उनके अंदर में ग्रास को ग्राइंड करने के लिए। तो काऊ एक एग्जाम्पल है, काऊ एक हर्बी बोर है, यानी हर्बी बोर्स उनको बोलते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं एनिमल्स, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी हर्बी बोर्स। क्या बोलते हैं? हर्बी बोर्स। अब सुनिएगा, जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होंगे उनका सोर्स तो स्टेशनरी है, ज्यादा भागने दौड़ने वाला नहीं है। तो सोर्स जब स्टेशनरी है, जो वो ग्रास खाते हैं, तो ग्रास को बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करने की जरूरत होती है। तो इनके अंदर में क्या होता है बेटा जी, इनके अंदर में मोलर्स टीथ आर वेल डेवलप्ड। मोलर टीथ जो होते हैं वो बड़े ही डेवलप होते हैं, दैट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ ग्रासेस, जो मदद करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ ग्रासेस। एंड कैनाइन भी होता है, ऐसा नहीं कि कैनाइन नहीं होता है, कैनाइन जो होगा लेस डेवलप होगा। क्या होगा बेटा जी? कैनाइन जो होगा उतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा, उतना ज्यादा सार नहीं होता है, लेकिन चूंकि इनको ग्राइंडिंग करनी है तो उनके अंदर में देखिए मॉडिफिकेशन अलग है कि नहीं है, उनके अंदर में टीथ अलग तरह से पाया जाता है, जो स्पेशली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्राइंडिंग, यानी कि उनके अंदर में मोलर्स टीथ बहुत ही डेवलप अच्छे होते हैं, ताकि वो आसानी से अपने ग्रास को क्या कर सके बेटा, ग्राइंड कर सके। अब अगर बात करें बेसिकली लायन की, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। लायन की बात करते हैं, तो लायन के केसेस में एक तो पहला तो मोड ऑफ जो बॉडी की स्टिमुलेंट काफी तेजी से दौड़ सके, और दूसरा उसके क्लच जो होते हैं, क्लच काफी मजबूत होते हैं, उसमें नाखून चले गए ताकि वो भी नाखून बड़े क्या होते हैं बेटा, शार्प होते हैं, जिसे वो फाड़ सकता है, चीर सकता है। और अगर बात करेंगे काऊ की, उसमें क्या नाखून होता है क्या? नहीं, वहाँ हुप्स होती हैं। हुप्स मतलब वो बेसिकली एकदम जैसे देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का, उसके अंदर में कोई क्लॉज नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली पकड़ने को कैच करने के लिए भी उनके पास क्या है, क्या है बेटा जी, वहाँ पे क्लॉज है। किसके केसेस में? आपके लायन के केसेस में। तो एक वो हो गया, दूसरी बात करेंगे जो कैनाइन टीथ होते हैं, तो जो भी जो ये लायन होते हैं, सुनिएगा लायन की बात करेंगे, लायन एक कार्निवोर है। क्या है बेटा जी? कार्निवोर। और कार्निवोर को हम उनको बोलते हैं जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा जी कार्निवोर्स। तो इनके अंदर में क्या डेवलप होगा, क्या होगा? तो सुनिएगा, इनके अंदर में कैनाइंस, जो शार्प टीथ होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कैनाइंस, सो कैनाइंस आर वेल डेवलप्ड, ये बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप होते हैं, दैट हेल्प इन टियरिंग, टियरिंग का मतलब फाड़ने में, टियरिंग ऑफ मीट और फ्लेश, तो मीट या फ्लेश को फाड़ने में मदद करते हैं बेटा कैनाइन। तो इनके अंदर में कैनाइन टीथ काफी डेवलप होते हैं, एंड मोलर्स आर लेस डेवलप। तो देखिए उनके अंदर में बॉडी का स्ट्रक्चर भी क्या है बेटा जी, अलग है, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने को लेने, खाने को खाने का तरीका क्या है, अलग अलग है, या अलग अलग चीज को खाते हैं, इसीलिए उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी क्या है, अलग अलग हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, यही आपको समझाना था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज दे रखी हैं आपके एनसीईआरटी में, जो जैसे कि किस कौन ऑर्गेनिज्म किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है, वो सारी स्ट्रेटजीज को दिखाना है, सुनिएगा। सो पहले लिख लीजिएगा, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अप्लाई करते हैं ताकि वो खाने को क्या कर सके बेटा, डाइजेस्ट कर सके। सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड बाई ऑर्गेनिज्म टू टेक फूड।
अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ताकि वो फूड को क्या कर सके बेटा, ले सके या खा सके या एब्जॉर्ब कर सके या डाइजेस्ट कर सके। सुनिएगा, उससे सब कुछ जानने से पहले एक बात सुनिएगा, कहीं पे भी अगर जिक्र हो कि कोई एक कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड जब ब्रेक्स होता है इनटू सिंपल फूड, सुनिएगा, जब कभी भी व्हेनेवर अ कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल फूड, अगर बात करेंगे प्लांट्स की तो प्लांट्स के केस में होता है स्टार्च, स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक करके टूटता है बेटा ग्लूकोज में, जो कि एक क्या होता है बेटा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक एक बेटा क्या है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सुनिएगा, सो द प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, द प्रोसेस इन विच एनी कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बेटा जी डाइजेशन, क्या कहलाएगा डाइजेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेनेवर एनी कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड, जैसे कि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, टूटा किसमें आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा डाइजेशन। सो अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो हम बाद में देखेंगे, देन इट्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको डाइजेशन, नोट डाउन कर लीजिएगा डाइजेशन। ओके, अब सुनिएगा, बेसिकली डाइजेशन हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक होगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर। सुनिएगा, तो पहला हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सुनिएगा, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा जी, जो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ेगा सिंपल फूड में। अब सुनिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या हुआ। सपोज करिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम, राइजोपस, फॉर एग्जांपल ईस्ट, यस ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, फंजाई होती है जिसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं, तो राइजोपस एक फंगस है जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। सो राइजोपस, ईस्ट, मशरूम, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ते हैं बॉडी के बाहर। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए ये बॉडी है कुछ ईस्ट की, ये इस तरह का कुछ ईस्ट है, मान लीजिए ये, मैं हाइपोथेटिकल ऐसे नहीं बना रहा हूं, ये मान लीजिए कोई ईस्ट है, ओके सपोज कर लीजिएगा ये ईस्ट है, ओके ईस्ट है। अब जब ईस्ट को खाना होगा तो ईस्ट के सामने एक ये फूड दिख रहा है, ये है मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फूड है जो काफी बड़ा फूड है, तो ईस्ट कैपेबल नहीं है कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को खा पाए। ध्यान दीजिएगा, तो ईस्ट पहले क्या करता है, इसके पास जाएगा और इसको तोड़ देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी कॉम्प्लेक्स को इसने तोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया इसने, क्या किया बेटा ब्रेक्स किया सिंपल फूड में, किसमें तोड़ दिया छोटे छोटे फूड में तोड़ेगा पहले, और तब जो होगा देन इट विल टेक इनसाइड द बॉडी। तो बेटा जी ये जो प्रोसेस है जहां पे कॉम्प्लेक्स टूट रहा है सिंपल में, ये बॉडी के अंदर में टूट रहा है बॉडी के बाहर, देखोगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटा बॉडी के बाहर,
यानी सेल के बाहर में क्या हो रहा है, सेल के बाहर में क्या हो रहा है बेटा, डाइजेशन। क्या हो रहा है? डाइजेशन। तो जब कभी भी, चूंकि देखिए पहले ये ईस्ट था, ईस्ट गया कॉम्प्लेक्स फूड के, नहीं खा पाएगा, तो इसने क्या किया, इसको तोड़ तोड़ के छोटे फूड में तोड़ दिया। यानी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटा बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर। तो कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटा, इसको बोलते हैं डाइजेशन। तो सेल के बाहर में डाइजेशन हुआ है, कहाँ डाइजेशन हुआ है, सेल के बाहर में। जब ये छोटा छोटा टूट गया है तब इसने, ईस्ट ने इसको लिया है। तो जब कभी भी, वेन एवर डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड ऑफ द सेल, देन दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के बाहर हो रहा है तो लिखिएगा व्हेन डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो देखिएगा जब कभी भी डाइजेशन जो होगा सेल के बाहर होगा। देखिए हुआ क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को पहले उसने थोड़ा सिंपल फूड में, यानी कि डाइजेशन कहाँ हो गया, ये पूरा इलाका जो है, ये मान लीजिए मैं मान लेता हूं वाटर में है, वाटर में ये चीज हुआ, कहां पे, वाटर में। तो जब ये सिंपल में टूटेगा तब ये लेगा, यानी पहले ये गया पास में, कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ दिया, तो किया क्या, डाइजेशन। तो डाइजेशन हुआ कहाँ, वाटर में। कहाँ हुआ डाइजेशन, वाटर में, सेल के बाहर, ईस्ट के सेल के बाहर। ये ईस्ट है तो ईस्ट के सेल के बाहर हुआ, तो सेल के बाहर का डाइजेशन, दैट इज सेल के बाहर में डाइजेशन हुआ, तो इसको क्या बोल दिया बेटा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोल दिया इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो वही मैंने लिखा, व्हेन डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड आउटसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और ये दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, लाइन दे रखी है कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, ये दे रखा है। तो वो किसकी बात कर रहा है बेटा जी, क्या दे रखा है वो मैं लिख देता हूं, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या दे रखा है देखिएगा, सम ऑर्गेनिज्म, वही जो मैंने यहां लिखा है वही बातें लिख रही हैं, बस पढ़ने का तरीका अलग है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, तब वो बाद में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर व्हाट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेड मोल्ड फंजाई, ब्रेड मोल्ड जो एक फंजाई होती है, तो याद करिएगा राइजोपस, राइजोपस के अंदर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाएगा। दूसरा दैट विल बी इन द ईस्ट एंड थर्ड दैट विल बी इन द केस ऑफ मशरूम। सो इन तीनों के अंदर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाते हैं जहां बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया तो दूसरा क्या होगा बेटा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो सेकेंड दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रा सेलुलर, यानी विथ इन द सेल, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, जैसे कोई भी मान लीजिए, मेरा ही एग्जाम्पल मान लीजिए, छक्कन हलवाई, ये देखिए
काफी फील्ड दिख रहा है बड़ा। तो अगर देखिएगा बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर ले लेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को उसने अपने मुंह में ले लिया यानी अंदर ले लिया, कॉम्प्लेक्स फूड को खा गया। रोटी इज अ कॉम्प्लेक्स फूड, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है उस, या आलू का आलू मान लीजिए, आलू सॉरी आलू आजकल डर लगता है यार, ये खांसने से भी डर लग जाता है कि कहीं कोरोना है तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्च की बात कर रहे थे, तो आलू, आलू जो होता है स्टार्च होता है, तो हम आलू को खा जाते हैं। अब ये स्टार्च आपके बॉडी के अंदर, आलू बॉडी के अंदर जाता है, ऐसा थोड़ा नहीं कि आप उसको यहीं पे स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर, नहीं, क्रशिंग करोगे आपके कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, वहाँ पे उसका डाइजेशन होगा। सो कॉम्प्लेक्स फूड को मैंने खाया, और ये जब ये सिंपल फूड में कहाँ टूटेगा, सिंपल फूड में टूटेगा हमारे स्टमक के अंदर में, स्टमक के अंदर में टूटेगा। तो यहाँ पे जो चीज हमने ली है, कॉम्प्लेक्स फूड को खा लिया, उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर में हो रहा है, मेरी स्टमक सेल्स के अंदर में हो रहा है, स्टमक की जो सेल्स होंगी उसके अंदर में होगा, या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल्स होंगी, मैक्सिमम जो होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखेंगे कहाँ होता है। तो बेटा जी हो कर रहा है स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो बेटा जी सेल के अंदर हो रहा है ना, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है ना, बॉडी के बाहर तो हो नहीं रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो लिख लीजिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने स्टार्च खाया, स्टार्च एक क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये टूटता है किसमें बेटा, ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, जो कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो ये प्रोसेस अगर हो रहा है, ठीक है, विथ इन द सेल, सेल के अंदर में, विथ इन द सेल, सेल के अंदर में हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा जी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे भाई और बहनों, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, सम ऑर्गेनिज्म स्पेशली टेक करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ब्रेक्स इट इनसाइड देयर बॉडीज, ओके, तो ब्रेक्स करता है इसको अपने बॉडी के अंदर में ब्रेक करेगा, एंड देन एब्जॉर्ब इट, देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, सो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, सम ऑर्गेनिज्म यूजुअली टेक और टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड, तो ये ले रहा है कॉम्प्लेक्स फूड को, एंड ब्रेक्स इट इनटू सिंपल फूड, और उसको तोड़ रहा है किसमें, सिंपल फूड में, सिंपल फूड में तोड़ रहा है, लेकिन याद रखिएगा इन सिंपल फूड इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी नहीं है, आउटसाइड होगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इनसाइड द बॉडी कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये इस प्रकार के डाइजेशन को क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ह्यूमन बींग हो गया, कैच हो गया, डियर हो गया, डॉग हो गया, लायन हो गया, ये सारे, सो एग्जाम्पल में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ह्यूमन बींग कॉमा काऊ कॉमा लायन कॉमा टाइगर एटसेट्रा, सो जिसके अंदर में इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो आज मैं समय देख लेता हूँ कितना हुआ, नियर अबाउट 50 मिनट के आसपास तो हो ही गए होंगे, तो थोड़ा सा आज और कंटिन्यू कर लेते हैं, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, थर्ड, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या जिन ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा,
पैरासाइट्स। सुनिएगा बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एग्जिस्ट करता है, रहता है, उसके न्यूट्रिशन को लेता है, चूसता है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी पैरासाइट का एम ये नहीं होता है कि मैं इतना चूस लूँ कि होस्ट जो है वो मर जाए। यानी जैसे मान लीजिए लाइस हमारे ऊपर में रहती है, हमारे जो बाल बाल वाले इलाके हैं, इलाका ही बोलेंगे, यहाँ पे लाइस रहती है, यानी कि कुछ जुए हुए रहती हैं। ये जो जुए होते हैं बेसिकली हम लोग उनके लिए हैं होस्ट, और जो हमारे से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पैरासाइट। तो लाइस एक पैरासाइट है, उसका होस्ट है ह्यूमन बींग, ध्यान रखिएगा। यानी जिस ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिशन ले रहा है वो कहलाएगा होस्ट, और जो ले रहा है उसको कम बोलते हैं बेटा पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। तो सुनिएगा, जहाँ पे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स न्यूट्रिशन, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी वो अपने होस्ट को मारता नहीं है विदाउट किलिंग इट। कभी भी वो अपने होस्ट को, देखो कार्निवोर क्या कर रहा है, किल करके खा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी से उतना ही न्यूट्रिशन लेता है जिससे आपका होस्ट भी जिंदा रहे, क्योंकि होस्ट जिंदा रहेगा तभी वो जिंदा रह पाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रिलेशनशिप होती है, जो आप आगे पढ़ोगे इवेंचुअल में, प्लस और माइनस रिलेशनशिप। प्लस मतलब किसका फायदा पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइस का। घाटा किसका बेटा? मेरा, यानी कि ह्यूमन बींग का। तो ह्यूमन किस में आता है बेटा? जिससे न्यूट्रिशन जा रहा है, ये न्यूट्रिशन दे रहा है होस्ट, और जो ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। तो इस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक का क्या बेटा फायदा ही फायदा, एक का क्या बेटा नुकसान ही नुकसान, ठीक है, लेकिन कभी भी किल नहीं करता है। ये जो लाइस अपने होस्ट को मारेगा नहीं, अगर होस्ट को मार देगा तो कहां सरवाइव करेगा। तो देखिएगा, सम ऑर्गेनिज्म usually derive derive usually derive nutrition from plants or animals without killing it, बिना उसको मारे हुए, किलिंग इट कॉल्ड एज, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि काफी बार पूछे भी जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक तरफ लिखूंगा आपका पैरासाइट, दूसरे तरफ उसका लिख दूंगा होस्ट। ओके, तो देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है, दैट इज कसकटा और अमरबेल। बेसिकली ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। तो जब ये क्लोरोफिल नहीं पाई जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है किसी एक ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। तो कसकटा एक पैरासाइट है जो अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है ये किसके ऊपर पूरी तरह से फैलता है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही फैलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन ये लेगा ग्रीन प्लांट से लेता है एज ए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ जिसके अंदर में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहले इधर में मैं लिख देता हूं पैरासाइट्स, इस साइड में लिख देता हूं पैरासाइट्स, और जहां से वो लेगा उसको हम क्या बोलेंगे? होस्ट। क्या बोलेंगे बेटा जी? होस्ट। तो पहला है दैट इज कसकटा या अमर बेल कहते हैं इसको, ठीक है, कसकटा और अमर बेल भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसका होस्ट होता है बेटा जी कोई भी ग्रीन प्लांट्स। ओके, क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर में क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल। वो अपना खाना बना लेगा, और खाना बनाएगा तो भैया एक कसकटा जो होता है, यहां पे लिख लीजिएगा, इट लैक्स क्लोरोफिल,
सो डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो ये डिराइव करता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम द ग्रीन प्लांट से लेता है, डायरेक्टली उसके बॉडी पे चिपक के रहता है और उसको लेता रहता है। सो कसकटा इज अ पैरासाइट, याद रख लीजिएगा कसकटा एक क्या बेटा जी पैरासाइट है जिसके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है। चलिए जो सेकंड है इनको जरा मैं मिटा देता हूं, सेकंड दैट इज द टेपवर्म। आपने सुना होगा टेपवर्म भी क्या होते हैं बेटा, कुछ पैरासाइट होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें माइस, इनका होस्ट है माइस, रैट, सीप, और भी अगर लिखना चाहेंगे डियर भी लिख सकते हैं। ओके सो बेसिकली ये जो टेपवर्म होते हैं हमारी बॉडी में होस्ट के फॉर्म में नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं माइस, रैट, सीप और डियर। तो जो लोग इनको मार के खाते होंगे ये टेपवर्म उनकी बॉडी से हमारी बॉडी में चला आता है। ठीक है, टेपवर्म का होस्ट हो गया माइस, रैट, सीप और डियर। अगर बात करेंगे टिक्स, टिक्स सुना होगा कुछ जुए लगते हैं आपके, मेरे वाले जुए नहीं, जो आपके कुत्ते उत्ते में लगते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टिक्स। तो बेसिकली टिक्स जो होते हैं उनका होस्ट है डॉग्स, ठीक है, डॉग, कैट और डियर। ठीक है, तो जो टिक्स है ये एक पैरासाइट है जो किसकी बॉडी के ऊपर डेवलप करता है, डॉग के ऊपर, कैट और डियर के ऊपर हो जाएगा। लाइस, लाइस मतलब समझ गए होगे जुए जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो मुझे भी मालूम है ह्यूमन बींग तो हमसे न्यूट्रिशन लेंगे। और लास्ट दैट इज लीचेस, लीचेस का मतलब जोंक होता है, आजकल बरसात का सीजन है काफी दिखती है लीचेस। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ह्यूमन की बॉडी होस्ट इसके लिए ह्यूमन है, फ्रॉग हो सकता है या फिर बर्ड्स हो सकती हैं, समटाइम फिशेस भी हो सकती हैं एटसेट्रा। ओके सो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर था, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो वहाँ दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, एक अमीबा में दे रखा होगा और एक पैरामीशियम में, जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली किस तरह से वो किस फॉर्म में लिखते हैं या लेते हैं आपके क्या बेटा खाने को किस तरह से खाते हैं। तो आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।